ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ, ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताज़ा गज़लें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। तो गाइस बाहर सुहाना मौसम है, बोलो फद्दू मौसम है, क्या बोलते हो, क्या चल रहा है आजकल। बैक विद अनदर रेड बॉल पूल वीडियो, एक और ट्रिक शॉट ट्यूटोरियल तुम लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख कर सीख लेना भाई। बर्लिन वेनिस जैसे टेबल में कुछ इस तरीके के शॉट ना भाई काम आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा वाला मैंने मतलब एक न्यू इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है कि जो जितने थोड़े बहुत अपने को ट्रिक शॉट आते हैं ना भाई, मैं तुम लोग के साथ शेयर कर सकूँ, तुम लोग को सिखा सकूँ, ताकि कभी तुम लोग ऐसे कभी पोजीशन में फंस जाओ ना तो खेल सको, ओपोनेंट को चारों खाने चित कर सको, ठीक है। एक और ये वाला नेक्स्ट टाइम इसका मैं ट्यूटोरियल दूंगा, ये वाला किस तरीके से खेला जाता है। नहीं बोले तो भाई 10 में से 7-8 बार तो ये शॉट पास होना ही है अगर तुम लोग ने सीख लिया इसका परफेक्ट मार, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 55 रिंग निकाली थी ग्रैंड हीस्ट के विन स्ट्रीक के इवेंट की, तो उसी के साथ हमारी वर्ल्ड ब्रेकिंग क्यू मैक्स भी थी, तो मैं जाकर हमारी मैक्स वर्ल्ड ब्रेकिंग क्यू से थोड़ा बहुत गेम प्ले कर रहा था देखने के लिए कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो ये उसी के कुछ हाइलाइट्स है। बाय द वे ये वाला जो गेम प्ले है ना भाई, ये हमने रिकॉर्ड किया है हमारे न्यू iPhone 11 Pro Max में। अब ये मैंने कहाँ से, न्यू फ़ोन नहीं है भाई, न्यू फ़ोन नहीं है तो कोई मतलब ये करने वाली बात नहीं, ये फ़ोन हमें मिला है विरासत में। अब ये छोटे सी शब्द में मैंने तुम लोग को पूरी स्टोरी बता दिया, लेकिन खैर उतना डीप में नहीं जाते। ये iPhone 11 Pro Max का गेम प्ले है जो कि इतना स्मूद है ना भाई, मेरे को ज़रा ग्रिप नहीं समझ में आ रही थी इस फ़ोन की, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहली फुर्सत में जाया, मतलब जाया नहीं, जाऊँगा यहाँ पे और वेनिस बाय कर लेंगे भाई आज के वीडियो में, क्योंकि मतलब मैंने तुम लोग को बोल रखा था कि इस अकाउंट में वेनिस की कोई आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट तब तक नहीं है जब तक के चीटर्स वगैरह है वेनिस में। लेकिन यार मन मन यार मन बोलता है ना तो करना पड़ता है, तो मैं गया और ये देखो मेरे में इतने चुनने हैं ना भाई, जब एंड्रॉयड में 590 का मिलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 670 डाल के मैं आईफोन में बाय कर लिया। और भाई साहब मैं तुम लोग को पूरा बता दूंगा क्या मसले हुए क्या हुए, मेरे को लग रहा है कि कहानी होने वाली है बहुत ही खूंखार भाई। मैं अगर तुम लोग को लिख कर दे दूंगा कि नहीं जाना, जाना ही नहीं वेनिस में, कतई नहीं जाना। देख सकते हो प्लेयर कितने ऑनलाइन है स्टेबल में, और जैसे ही वेनिस गया ना भाई, सच बता रहा हूँ मजाक के अलावा, वेनिस जैसे ही गया यहाँ पे, मैं तुम लोग को पहला ही गेम, देखो वेनिस बाइक है यहाँ पे, ये पहला गेम तुम लोग को दिखा रहा हूँ। मैच लगी है कैटराचो, तो पता नहीं, आई थिंक इसको मैंने देखा है FB पे स्ट्रीम वगैरह बंदा, आई थिंक सो मैंने इसको देखा है, पता नहीं जानना पहचाना है ये है भी या नहीं। और ये देखो ब्रेक, देखो भाई मुझे ब्रेक दो यार, मुझे ब्रेक दो, ब्रेक दो, ब्रेक दो यार, पहला गेम ओपोनेंट की ब्रेक। लेकिन खैर ये तो मैं तुम लोग को पहला गेम बता रहा हूँ ना, मैं तुम लोग को पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा भाई कि क्या मसले हुए वेनिस में, 6-6 गेम, 7-7 गेम, एक भी ब्रेक नहीं आ रही है। और वैसे भी हमारा अकाउंट है रैंडम बैकअप का, पागल कर दिया इस टेबल ने भाई। मैं ऐसा लिटरली यार पछता रहो कि मैंने क्यों ऐसा वेनिस बाय कर लिया, कोई मतलब नहीं बनता है वेनिस में खेलने का इस समय, क्योंकि सिर्फ चीटर ये नहीं है भाई, टूल वाले या चीटर वाले सिर्फ इतने ही नहीं है वेनिस में, हर फेयर प्लेयर चीटर बन चुका है वेनिस में, हर एक फेयर प्लेयर भाई साहब, मतलब जितने प्लेयर तुम लोग ने ऑनलाइन देखे थे ना 200-300 जितने भी, उसमें से गिनती के 5-10 होंगे जो रियली फेयर होंगे, बाकी सब के सब भाई जाकर छोटे टेबल पे लीव करके आके ब्रेक के लिए इतना मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, ब्रेक ट्रिक लगा लगा के भाई, ब्रेक हम जैसे प्लेयर्स की ब्रेक नहीं आ रही है यहाँ पे, पागल कर दिया है भाई। मतलब 500 मिलियन कॉइन्स मैं 1 घंटे में लूज कर गया, इतने मेहनत से बनाए हुए बर्लिन में कॉइन्स, और वो वेनिस में फालतू का बाय करके वेनिस में जाकर पूरे के पूरे जो है लॉस कर गया। ब्रेक ही नहीं आ रही है, 6-6 गेम, 7-7 गेम जब आ रही है तो फिर इतना मतलब इतना इतना डर के मतलब पता नहीं क्या हो गया है गेम को वेनिस में, कि भाई अगर चांस चले जाएगा ना तो दोबारा आएगा नहीं, और वो डर अलग ही लेवल का। उसके हिसाब में अपने से छोटी मोटी गलतियां भी हो जा रही है, मिस हो जा रही है सिंपल शॉट, और बाकी ओपोनेंट लोग तो तुम लोग को पता है क्या ही कारीगर लोग है, तो बहुत ही टोटल वेस्ट है भाई वेनिस इस समय बाय करना। लेकिन खैर 500 मिलियन कॉइन्स जब मैं हार गया 1 घंटे में, फिर मैं बोला कि नहीं नहीं खेलना है वेनिस में, नहीं खेलेंगे, अभी जो लॉस हुए है वो रिकवर करते हैं। फिलहाल आज एक न्यू इवेंट आया हुआ है मुंबई महल विन स्ट्रीक, तो उसकी भी क्यू मैक्स कर लेंगे, करेंगे शायद से हो जाएगी, आई थिंक सो। और ये यार मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा वेनिस यार प्लीज़, फेयर प्लेयर्स को बोलूँगा मत खेलो वेनिस, फिलहाल के लिए मत खेलो जब तक के
ये मौसम जो है ठंडा नहीं हो जाता। और जो अनफेयर लोग है भाई, हर एक प्लेयर वेनिस में अनफेयर क्यों है क्यों है क्यों है। मतलब मैं खुद खेल रहा हूँ वेनिस, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, ब्रेक ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ। यार दो लोग खेल रहे हैं एक गेम, या तो ब्रेक तुम्हारी आएगी या तो ओपोनेंट की आएगी, सीधी सीधी बात है। तो ब्रेक के लिए इतना क्यों मरना भाई, तुम लोग छोटे टेबल पे जाकर लिव कर रहे हो, फिर जाके वेनिस में आ जा रहे हो, तुम्हारी ब्रेक आ जाए, तुम्हारा ओपोनेंट भी वही कर रहा है। और फिर उसके इतना ही नहीं यार, आईफोन वाले मिनिमाइज कर करके भी, वो बहुत सारी होती है ब्रेक ट्रिक, ऐसा नहीं है कि एक ही है, लेकिन ब्रेक के लिए मरना अच्छी बात नहीं होती यार। एक तो पहले से ही चीटर लोग ने परेशान कर रखा है, ऊपर से ये यार मतलब मेरी ब्रेक नहीं आ रही है, सीरियसली तीन तीन चार चार पाँच पाँच गेम ब्रेक नहीं आ रही है, वाट लग जा रही है। ये लकीली भाई, लकीली 10 गेम में एक ब्रेक मेरे को मिल जाती है लकीली, और मैं ये वाला गेम प्यार से डिनाइल मार पाता हूँ। ठीक है, तो बस एक ये छोटा सा मैसेज दूंगा मैं तुम लोगों के, वेनिस बिल्कुल मत खेलो। मैंने खुद यार अपने आप से एक वादा किया था कि मैं वेनिस तब तक नहीं खेलूंगा जब तक कि इस अकाउंट में 100 बिलियन कॉइन्स नहीं हो जाते। लेकिन यार मैं बर्लिन में बोर हो चुका हूँ, सीरियसली बोर हो चुका हूँ पूरा। मतलब सिर्फ एक ही वेनिस की रिंग है मेरे अकाउंट में, वो भी ट्रॉफी रोड कंप्लीट करने के लिए मैंने निकाली थी, उसके अलावा मैंने वेनिस खेला ही नहीं है अपने अकाउंट में, समझ रहे हो। सारे के सारे जो कॉइन्स देख सकते हो ना मेरे अकाउंट में, वो है बर्लिन से इंक्रीज किए हुए। तो इसलिए शायद मैं ना इतना ज़्यादा खेल चुका हूँ बर्लिन के, मैं बोर हो गया हूँ। मतलब वो कंसंट्रेशन, वो कुछ आ ही नहीं पाता है बर्लिन के टेबल में, क्या ही बोलूँ भाई। अभी तक अगर वीडियो पे बने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जो मर्ज़ी करो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये वाला आखिरी गेम है इस वीडियो का, ये वाला यार मैं सीरियसली खुद से थोड़ा सा खुश हो गया था कि भाई मैंने एक डिनाइल दे दिया। अदरवाइज यार कॉन्फिडेंस बहुत ही मेरा खुद का इतना लो गया है इसमें, मैं खुद नहीं खेल पा रहा हूँ। और ये अलग है मेरा आईफोन यार, नवा वाला जो ये आईफोन है, इसका टच इतना ज़्यादा स्मूथ है कि मेरे हाथों को ही नहीं जम रहा है। ठीक है, तो इसका सेटिंग बनानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा हिसाब किताब। ये है इस वीडियो का आखिरी शॉट, और बस भाई बस हो गया, ज़्यादा बातें हो गई, बस मेरी तरफ से ये कि रैंडम बैकअप अकाउंट लेके कृपया करके मेरे इसमें कदम मत रखना, मत रखना मत रखना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे भाई, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इतना ही बोलूँगा, चिंगम का जब आगे पूल के लिए दबा के अपन फिर मिलेंगे।